दोस्तों टेक्निकल आर एस एम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जो जेटर 185 जुमलेन का जो मशीन है उसमें डिस्प्ले के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो इतने दिन से कमेंट आ रहा था भाई अपना अपना डिस्प्ले के बारे में कुछ बता दो, तो आज मैं कोशिश में हूँ इस वीडियो के माध्यम से सब डिटेल्स आज बताऊंगा डिस्प्ले के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए और मेरे चैनल में अगर पहली बार आया तो लाल वाला बटन को दबा के सब्सक्राइब करके रखिए और जो बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये हो गया सीसीटीवी, यानी कि ये एक लगा हुआ है, दो तीन लगा हुआ है, ये खाली है। आ गया भाई डिस्प्ले में, तो यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हो गया F1, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मॉनिटर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ मॉनिटर। ये हो गया F2, इसमें लिखा हुआ है यूजर सेट। और ये हो गया F3, इसमें लिखा हुआ है अपना डेप क्लियर। और अपना ये हो गया F4, इसमें लिखा हुआ है मास्ट का। दोस्तों ये हो गया F5 का, इसके ऊपर लिखा हुआ है अलार्म। और ये F6 है, इसके ऊपर लिखा है मेंटेनेंस। और ये F7 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बटन्स। और ये F8 है, इसमें लिखा हुआ है सिस्टम का अपना इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ F1। F1 के ऊपर जो आपको मालूम है मॉनिटर लिखा हुआ, तो इसका क्या काम है? इसका काम यही है कौन कौन सा फंक्शन चालू है। अभी तो एक भी फंक्शन नहीं चालू है, ये खाली अपना लिमिट का चालू है, बाकी सब बंद है। तो ये हो गया कौन कौन सा फंक्शन चालू है। और अभी दबाने जा रहा हूँ F2। इसमें देखिए ये अपना हो गया वर्क कमांड सेटिंग, डेट एंड टाइम सेटिंग्स, चेंज लैंग्वेज, चेंज यूनिट, डिस्प्ले प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एक्सेस, इतना है। ये सब जो क्या क्या काम का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये हो गया F3 में, इसका काम है अपना बोर जो पाइल जो मारता हो बोर, उसमें जो अपना डेप्थ है रनिंग डेप्थ उसको 0-0 करने के लिए, ये वाला F3। और दोस्तों ये F4 ये अपना मास्ट का, इसको दबाएंगे तो मास्ट हिलेगा, यानी कि ये वाला लीवर्स, ये वाला लीवर से अभी मास्ट आगे पीछे हो सकता है। और हो गया ये हो गया F5, इसके ऊपर लिखा हुआ है अलार्म। अलार्म का मतलब इंजन में अगर कुछ खराब हुआ है या तो मशीन में अगर कुछ भी हुआ तो यहाँ पे आता। मशीन में अगर कुछ खराब वराब हुआ या तो कुछ फेल है तो सब डिटेल्स यहाँ पे आता। तो यही है, तो इसको बैक कर लो। F6 का ये है मेंटेनेंस का, तो इसको ओपन करता हूँ मैं। देखिए ये मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस का ये हो गया टाइम का, ये सभी सभी फिल्टर फिल्टर अपना ऑयल का नाम है, ये सब है कितने घंटे में चेंज होता है क्या होता है वो सब है। तो इसको भी पैक कर लेता मैं, आगे बढ़ता हूँ। और आगे बढ़ता हूँ F7 में, ये अपना बटन का है, ये हो गया स्विंग का, स्विंग का क्लियर है वो। और ये मैनुअल आइडल में, और ये सब तो कोई नहीं है। ये हो गया फ्री फोल्ड का, बिना बटन का ही ड्रम आ रहा होगा। ये हो गया हॉर्न, ये हो गया स्विंग का, ये हो गया अपना जो अलार्म जो बजता है टी 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 वो है ये वाला। और ये हो गया मेन विंस का लिमिट स्विच का है, ये हो गया सेकंड विंस का लिमिट स्विच है। और
ये अपना लो पावर लिमिट डिसेबल्ड है, ये मास्ट पेल डाउन लिमिट इनेबल है, ये रोटरी हेड लिमिट डिसेबल्ड है, ये सब है। मतलब लिमिट जब खराब होता है तो फिर ये लॉक का काम है, ये है पायलट अनलॉक का है। इसका आगे भी और है, इनको बता देता हूँ। एक्सिस पिन का मतलब है, अगर 10 मीटर मार दिया आपने बोर, तो आरिया मतलब ड्रम जो है 10 मीटर में जाके रुकेगा वो। और ये हो गया रोटरी हेड, तो जब मास्ट डाउन करने के बाद अपना रोटरी अगर आगे पीछे लेना है तो ये बटन को दबा के ले सकते हैं। और ये हो गया अगर मशीन में आरपीएम आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो ये बटन को दबा सकता है, ये वाला बटन को दबा सकता है। बाकी ये सब मतलब पोलियन वोलियन का मास्ट वाटर लेवल है, ये हो गया मास्ट का वाटर लेवल है, ये सब अपना रिमोट रिमोट कंट्रोल है, ये अपना रोटरी हाइट है, स्मार्ट मॉडल है, रोटरी हाइट अपना लिमिट अनबोल है, रोटरी हाइट और पोजिशन ये सब का। और ये F8 बटन है, इसको दबा दिया तो सॉफ्टवेयर का ये आप लोग का काम नहीं है, ये जो आता है इंजीनियर लोग जो आता है वो वही लोग का काम है। मैं आपको आप लोगों को एक बार खोल के बता दे रहा हूँ, इसको डन करता हूँ, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, यही है जैसे सॉफ्टवेयर का काम ही है। ये नीचे आता हो तो ये मैसेज है, मैं करता हूँ, तो मतलब ये सब काम है इसका। तो रह गया बात डिस्प्ले का, ये अपना देख रहा है ये बॉक्स, ये मास्ट का ये मास्ट मतलब लेवल है कि नहीं। और ये जो दिख रहा है लाइन, ये अपना एक नंबर वायर अप डाउन का, अगर अप डाउन का ये हो गया रनिंग डेप्थ। और ये कि कितना तक डेप्थ मार्क रखे हो वो है। और ये हो गया अपना मान लो 100 व 200 ओके कटिंग किया तो इस पे बताएगा। और ये हो गया अपना स्विंग का, ये स्विंग का हो गया। और ये हो गया अपना डीजल का, ये हो गया अपना आरपीएम का, ये आरपीएम। बाकी ये सब जो पुलिन का है, हाइड्रोलिक का, लोड का, कितना घंटा मशीन, ये सब का।